भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचोली, हप्सी, मलारगंज, खुड़ेल, राऊ, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, सांवेर, दयालपुर व हाथौद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। इंदौर के गांधीनगर इलाके में 5 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला किसान के खेत में काट कर रखी गई सोयाबीन में आग लगा दी। आरोपी पहले भी महिला के घर में तोड़फोड़ कर चुके हैं। पीड़िता ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इंदौर की गांधीनगर थाना पुलिस ने गीताबाई की शिकायत पर शिवनारायण बारोड़, देवकरण बारोड़, राजेश बारोड़, राधेश्याम बारोड़ और अतुल बारोड़ के खिलाफ आगजनी का केस दर्ज किया है। गीताबाई ने पुलिस को अपनी शिकायत बताया कि 4 अक्टूबर के दिन वह अपने मायके बोरसी ग्राम में थी। तब उनका देवर हिम्मत सिंह कुशवाहा ने आकर बताया कि वह खेत पर सोयाबीन ढाकने गया था। तब 5 आरोपी सोयाबीन के पास खड़े थे। इसके बाद उन्होंने आग लगा दी। वह चिल्ला रहे थे कि जो भी इस आग को बुझाएगा उसे भी जला देंगे। हिम्मत ने बताया कि वह डर के कारण पास नहीं गया और दूर से छिपकर देखता रहा। बाद में वह जान बचाकर भाग निकला। हिम्मत के बताने पर बाद में खेत पर पहुंचे जहां सोयाबीन पूरी तरह से जल चुकी थी। गीताबाई ने बताया करीब 4.5 बीघा पर उन्होंने सोयाबीन लगाई थी जो जलकर खाक हो गई है। आरोपियों ने कुछ माह पहले ही घर में तोड़फोड़ की थी जिसकी शिकायत भी उन्होंने थाने में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। थाना गांधीनगर में एक पूर्व में एक मर्डर हुआ था कुछ महीने पहले जिसमें कि 3 आरोपी थे और उनको अरेस्ट किया जाकर जेल भेजा गया था। इसमें जो कि आरोपी पक्ष को जेल भेजा गया था इसमें, लेकिन जो इसमें 302 मुझे फरियादी पक्ष था उनके द्वारा इनकी जो सोयाबीन थी, जो आरोपियों की सोयाबीन थी, जो लाखों की सोयाबीन थी, उसको उनके द्वारा जला दिया गया। इस पर से जो महिला रिपोर्ट लिखाने आई थी उस महिला की रिपोर्ट पर से जो ये जो आगजनी और ये नुकसान का ये केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आरोपियों इसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं, आरोपियों की तलाश जारी। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।